बड़वानी जिले का ग्राम भादल जो दुर्गम क्षेत्र में महाराष्ट्र की सीमा पर एक दुप्रभावित गांव है। यहां पर लगभग 300 परिवार रहते हैं। यहां पर आसपास के गांव में कई विकलांग हैं जिनको विकलांगता पेंशन नहीं मिल रहा है, जिसमें पातलिया पिता अबला जिनके दो बच्चे महेश जो गूंगा है तथा लड़की गुंचा जो दोनों आँखों से अंधी है तथा एक पैर से विकलांग है, जिनका पिछले 2 सालों से विकलांगता प्रमाण पत्र बना हुआ है लेकिन उनको आज तक पेंशन नहीं मिला है। जी विकलांग नानी सोती चार साल बाद सी ही जानना शेरी आई हो, एक दुई दाड़ा शेरी आई है ना पाई लूडू है ना से दुई डूबा बिगड़ी गई है। नी कई डाक्त्रियम डिजाइन होते पोछोरे देखा दिया रे बाकी नी सुधरे कही देता डाक्त्रिया भी ने ना बेन से पैसा भी नहीं ने कहीं नहीं कर जावाई नहीं तो कहीं होगी बिशरी मैंने वीडियो बनाने के बाद गांव में आए सचिव को समुदाय के साथ उसको बार बार बोला था सचिव कर दबाव बनाने तथा मेरे वीडियो के डर से विकलांगता पेंशन बच्चों को दिया गया जो कि हर महीने 500 रुपये अभी पेंशन मिल रहा है। पहले ठेका नहीं जोड़ता था ही जे कैमरोली नावे पवन सिंह ने ओगुली जाली जान देखा ने तो सही मंत्री का जे दुई चार बार आई जाके उदूर भी कही देखी खाता में पैसा डालना छे जाजी कहाड़ी लाओ जी तू कही दे जाइन पूछे तो कहाँ से यहाँ पैसा नहीं है कही दे दौड़ते 8-10 बार रही जा नी करते ही 3 बार ही पैसा कहाड़ी लाई में 1500 अतला 3000 रुपया कहाड़ी लाई एक बार ने एक बार 5 महीना नतला करीन 2 पुरियान 5000 रुपया कहाड़ी लाई पछली बार में भी 5000 रुपया कहाड़ी लाई 3 बार रही जा पैसा कहाड़ी लाओतला गाँव में भी फिर तो रोज का ये ही डाला डाला डुकरिया छे तिंद्रा पैसा नहीं जोड़ता ने कहीं नहीं तिंद्रो भी जो वीडियो बनाई नो सो गो नाकत जा दी ते इंद्रो भी मैं मजु है ते तू यो सो करते जा से तारा भी हमें साथ छे ना हमरे भी तू साथ छे। मैं पवन सोलंकी ग्राम भादल जिला बड़वानी मध्य प्रदेश से इंडिया अनहट के लिए।